रविंद्र जी, यहीं से बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन के दिसंबर बाद देखने 6521 पर ट्रेड कर रहा है और 6700 के ऊपर का हाई लगा चुका है। रविंद्र जी, देख रहे हैं कि सोयाबीन में जो तेजी है वो एक कंटिन्यूस देखने को मिल रही है, एक के बाद एक हमने सोयाबीन में वायदा में सर्किट भी लगते हुए देखे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन के फंडामेंटल्स अचानक से इतने मजबूत हुए हैं, या फिर जो सिनेरियो है, करंट सिचुएशन है, वो ऐसी क्रिएट होती नजर आ रही है, या फिर ऐसा क्रिएट किया जा रहा है जिसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों में इतनी तेजी बन रही है? देखिए, इसका एक मेजर रीजन है कि यूएस में जो कॉर्न और बीट के प्राइसेस हैं वो सर्च कर रहे हैं, और सोयाबीन जो है उसका एक सब्सिट्यूट है, और उसी वजह से प्राइसेस जो है ये शूट अप हो रहे हैं यूएस सोयाबीन में, और उसी का एक रिफ्लेक्शन जो है वो NCDX में भी देखने को मिल रहा है डोमेस्टिक मार्केट में। ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है वो इतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, लेकिन जो उसका सब्सिट्यूट है उसकी शॉर्टेज होने के कारण प्राइसेस जो है ये अपसाइड मूव कर रहे हैं। जी, तो रविंद्र जी, क्या माना जाए, क्या सोयाबीन यहां से अभी और ऊपर उठती हुई नजर आ सकती है? जी बिल्कुल, अगर इसके सब्स्टिट्यूट में शॉर्टेज कंटिन्यूस रहेगी तो चांसेस हैं कि फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा और ज्यादा मतलब सतर्क रह के ट्रेड करना इसमें बेहतर रहेगा, क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो ऐसे समय में स्पेकुलेशन भी बहुत ज्यादा होती है, और चांसेस यही है कि जिस तरीके से अपसाइड मूव देखने को मिलेगा अगर न्यूज आती है इसके फेवर में मतलब अगेंस्ट में, तो चांसेस हैं कि इसी तरीके का सेलिंग मूव भी देखने को मिलेगा और उस समय में जो बायर्स हैं वो स्टक हो जाएंगे। जी,